आज मेरे अल्लाह साहब ने ये बात की है कि आपको एक अंग्रेजी का सबक पढ़ाया जाए ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ने में, समझने में, रीडिंग करने में और उसका सही तलफ़ बोलने में और अल्फाज माने में अल्फाज हो जाएंगे। तो वो पढ़े आज आज जो आपका सबक है वो है ईद उल अज़हा। हमने पढ़ा है लेसन ईद उल अज़हा। अपने बुक्स आपने निकाली हुई है जी सर। मेरे पढ़ने के दौरान आपकी जो नज़र है वो किताबों पर हो, कोई बच्चा है उधर ना देख रहा हो, और जो लफ्ज़ मेरे मुंह से निकलता है उसको दबाव में गौर से बिठा लेना है। अगर आपकी तवज्जो इधर उधर होगी तो फिर आप मेरे मुंह से निकले लफ्ज़ को नहीं समझ सकते। तो पहली बात जो अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी किताब पर रखना है। गैसर नवाब में किसी से बात नहीं करनी, कोई एक्टिविटी मजीद आपने नहीं। तो चलते हैं सबक की तरफ। It was a hot summer day. Hot कहते हैं गर्म को और समर कहते हैं मौसम गर्मा। तो मौसम गर्मा तो वैसे ही गर्म होता है, लेकिन हॉट जब आ गया तो मतलब ज्यादा ही कुछ गर्म है। इट वॉज अ हॉट समर डे। ये मौसम गर्मा का एक गर्म दिन था। एंड ईद उल अज़हा वाज अप्रोचिंग। अप्रोच बेटा कहते हैं किसी चीज तक पहुंच को, रसाई को, या किसी वाक्य के करीब आने। और ईद उल अज़हा करीब करीब थी, यानी कि आने वाली थी। ऑन द वे बैक होम, ऑन द वे बैक होम, वापसी पर घर की तरफ, घर की तरफ वापस आते हुए सुलेमान नोटिस्ड। नोटिस होता है किसी बात पर तवज्जो मिलाना, किसी बात पर गौर करना। देख ए बैनर अबाउट अ कैटल से। तो सुलेमान की जो नजर है वो एक बैनर एक टुकड़े में पड़ी हो कपड़े का, जो आप देखा है बैनर लगे होते रात में चार वगैरह लगे होते हैं, तो बैनर कभी नहीं बैनर कर लेते हैं। तो उसकी नजर एक बैनर पर पड़ी अबाउट अ कैटल सेल, जिस पर मवेशियों की फरोख्त। सेल कहते हैं फरोख्त को, कैटल कहते हैं मवेशी, में सारे जानवर जाते हैं, गाय बकरी भैंस ऊन सब। तो मवेशियों की फरोख्त पर उनकी नजर पड़ी फॉर ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा एज सून एज यूं ही रीड होम वो घर पहुंचा। ही रश वो दौड़ा टुवर्ड्स हिज फादर अपने बाप की तरफ। एंड एक्सप्रेस हिज डिजायर और अपनी जो ख्वाहिश है उसका इजहार किया। डिजायर कहते हैं तमन्ना या ख्वाहिश, एक्सप्रेस होता है बयान करना या इजहार करना। टू बाय ये इन्फिनिटिव है, खरीदना एक गोट फॉर ईद के लिए एक बकरा या बकरी या छतरा जो भी आप कह सकते हैं, गोट नहीं बकरी होता है बकरा, शी गोट होती है बकरी और ईद होता है बकरा। अस्सलामु अलैकुम फादर अबू जान, अस्सलामु अलैकुम, व्हेन आर वी गोइंग टू बाय अ गोट फॉर ईद, कब हम ईद के लिए एक बकरा या बकरी खरीदने जा रहे हैं। वी आर गोइंग हम जाने वाले हैं, हम ये काम काम करने लगते हैं तो कहते हैं आर गोइंग। सुलेमान इंक्वायर्ड एक्साइटेड, इंक्वायर्ड होता है किसी बात को पूछना, तलबगार हो,
बड़े जोश खरोश से, बड़े बलवे से, बड़े जल्द की वाली बात की। वालेकुम सलाम, बाप ने उसको जवाब दिया, वालेकुम सलाम बेटा, होल्ड ऑन, थोड़ा सबर कर, थोड़ा ठहर, थोड़ा रुक जा, अरे तो उतनी जोश पैर हुआ, इतना बल बना, ये क्यों हो रहा है, रात रात कर, होल्ड ऑन, वाय बच्चे, रुक जा, रुक ठहर जा, ईद इज स्टिल, ईद अभी तक ए फोर नाइट डे, फोर्थ नाइट कहते हैं 14 दिन का जो लगातार वक्त होता है, कहते हैं फोर्थ नाइट डे, मतलब दो हफ्ते, ईद तो अभी तक दो हफ्ते दूर है। रिप्लाइड फादर, अबू ने जवाब दिया, बट माई फ्रेंड, अब वो बच्चा क्या कहता है, बट माई फ्रेंड हैव ऑलरेडी बॉट, अब बाइक किसी बार में बॉट, बाइक बॉट बॉट, लेकिन मेरे दोस्त तो पहले से ही खरीद चुके हैं देयर एनिमल, अपने अपने जानवर पारी ईद के लिए। बोले तो अभी तो बच्चे खबर कर, होल्ड ऑन, होल्ड है, अभी तो ईद बड़ी दूर है, तो होते रहते हैं। तो लेकिन मेरे जो मेरे दोस्त हैं वो तो पहले से ही अपने कुर्बानी वाले जानवर यही खरीद चुके हैं। आई आल्सो सॉ सम गोट्स इन द ट्री, आई आल्सो सॉ सम गोट्स इन आर फैक्ट्री, मैंने अपनी गली में भी कुछ बकरियां देखी, अपनी गली में भी बाहर कुछ बकरियां देखी। सुलेमान एक्सप्लेन एक्साइटेड, सुलेमान ने बड़े बलबले के साथ, बड़े जोश के साथ इस बात का इजहार किया, बयान किया। फादर स्माइल, वाले साहब ने हम मुस्कराए एंड सैडल का ओके ओके, ये रात की जबान कला ठीक है ठीक है ओके। माय डियर सन, मेरे प्यारे बच्चे, वी विल गो टू द कैटल मार्केट ऑन संडे, अतवार वाले दिन हम जो मंडी मवेशियां है उसमें जाएंगे। कैटल मार्केट कहते हैं जानवरों की या मवेशियों की जो बाजार होता है, क्या आपको मंडी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मंडी, हम मंडी मवेशिया में अतवार वाले दिन जाएंगे। आई एम हैप्पी नाउ, मैं आप आई एम हैप्पी नाउ, अब मैं खुश हूँ, वी विल बाय अ गोट फॉर ईद उल अज़हा, हम ईद उल अज़हा के लिए बकरा खरीदेंगे। सलमान सेड इन एक्साइटेड, सलमान ने बड़े जोश के साथ कहा। सलमान के मदर, अब यहाँ पे एक अर्थ का पड़ा है सलमान के पास, कहते हैं अपॉस्ट्रोफ यस, जैसे उर्दू में मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है, अंग्रेजी में ये एफ लगाया जाता है काफ के में, अब इसको यूं भी कह सकते हैं मदर आपकी सलमान जी, ठीक है, लेकिन सलमान को मदर, सलमान की अम्मी केम आई फ्रॉम द किचन, बावर्ची खाने से, आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद टू देयर कन्वर्सेशन, उनकी गुफ्तगू, तो वालदा जो है उनकी गुफ्तगु सुनने के बाद किचन में के बाद आ गई, वह क्या बात बातचीत हो रही है। वी ड्रेस अप इन द नाइसेस्ट, ये लफ्स अपने दिमाग में बिठा लें, ये नाइसेस्ट है, आई की लफ्स साउंड पढ़ लीजिए, नाइसेस्ट, इसको नीसेस्ट नहीं पढ़ लेना। वी ड्रेस अप इन द नाइसेस्ट क्लोथिंग, हमने नफीस किस्म के, बेजबूत किस्म के कपड़े पहने, एंड अदर ईद नमाज और दूसरी ईद की नमाज इन दी मॉर्निंग, सुबह सुबह तो थैंक्स अल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए। मदर एक्सप्लेन फादर, माँ ने मजीद बयान से पढ़कर, फादर कहते हैं त्यागे से पढ़कर मजीद बयान किया, एंड वी सेलिब्रेट इट ऑन द 10th ऑफ द ज़िलहज एवरी ईयर, माँ ने मजीद बयान में इजाफा किया कि हम हर साल इस्लामी जो महीना है उसकी 10 तारीख को, 10 ज़िलहज को इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, यानी कि हर साल 10 ज़िलहज को हम इज़ा मनाते हैं। फादर एडेड, वालिद साहब ने मजीद इजाफा किया, वी सेक्रीफाइस एनिमल,
हम जानवरों की कुर्बानियां करते हैं ऑन दिस डे इस डे एंड शेयर दिस मीट और बांट देते हैं गोश्त अमंग फ्रेंड्स बिटवीन में और अमंग में फर्क ये होता है कि बिटवीन दो चीजों के दरमियान होता है और जो अमंग होता है वो दो से ज्यादा है। अब आप क्लास बैठी है तो कोई भी बात आपके दरमियान जब बोलती है अमंग स्टूडेंट्स का आ जाएगा बात हम जाके उस गोश्त को हम बांट देते हैं किल में रिलेटिव्स फ्रेंड एंड दिपुअर्स दोस्तों में अजीजों कॉलेज में रिश्तेदारों में एंड गरीबों में। सलेमान डाडे नोट होता है सर सलेमान ने सारे लाया एंड सेड और कहा यस जी हाँ आई नो दिस मैं जानता हूँ मुझे भाई आप बात पता है फादर अबू जान बट वाई डू वी सेक्रीफाइस एनिमल ऑन दिस ईद लेकिन हम जानवरों की कुर्बानी पर क्यों करते हैं ये तो बात मुझे नहीं पता ये तुम पता है ये रजा भी असर करें लेकिन क्यों करते हैं इसका जवाब हो वन नाइट एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैड अ ड्रीम हैड अ ड्रीम उन्होंने ख्वाब रखते थे ख्वाब रखते थे ख्वाब देखा ड्रीम कहते हैं ख्वाब एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा इन हिज ड्रीम अपने ख्वाब में अल्लाह टोल्ड हिम टू सेक्रीफाइस हिज बीलव्ड सन अल्लाह ने उनसे कहा कि अपना जो प्यारा मेरा बेटा है जो सबसे प्यारा बेटा है वो मेरी राह में कुर्बान कर दो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही टोल्ड हिज सन आपने ये बात मेरे को अपने बेटे को भी बताई कि मैंने ये ख्वाब देखा है ही टोल्ड हिज सन व्हाट अल्लाह वांटेड जो कुछ अल्लाह चाहता था हिम उनसे टू डू करने उनसे अल्लाह जो कुछ करने के लिए कहा गया था चाहता था वो उन्होंने अपने बेटे को भी बता दिया हजरत इस्माइल हैप्पीली एग्री तो हजरत इस्माइल खुशी खुशी राजी हो एग्री मतलब उनके साथ समझौता करें बट ठीक एग्री मुतफिक हो टू अल्लाह विल अब विल की दो माने है तो बड़े ना गाली दी तो यहाँ में जो है मर्जी अल्लाह की मर्जी देखो मतलब बतौर नाउन है वहां पे तो बतौर है एक बार मैंने दे गा भी दे तो ये यहाँ नाउन है अल्लाह की मर्जी के साथ मुतफिक हो शैतान यानी शैतान इसको सैटन भी कहते हैं सैटन या शैतान Satan tried to stop them. शैतान ने रोकने की कोशिश them उन्हें thrice तीन मरतबा इसलिए हम तीन शैतानों को पत्थर मारते हैं जब वो हज पे जाते हैं लोग तो तीन शैतानों को पत्थर मारते हैं क्योंकि शैतान के तीन तीन बार से कोशिश की थी कि इस काम को रोक दिया जाए but they did not listen. लेकिन उन्होंने उससे कोई बात नहीं सुनी कभी फिर मौका मिला तो मैं बताऊंगा वो दी कौन से तरीके थे जैसे कि रुक रुक कर गया था अल्लाह लाइक देयर एक्ट अल्लाह ताला ने उनका जो ये अमल है इसको पसंद फरमाया तो बेटा मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 1,24,000 कौम के पैगंबर है उनमें से 313 पैगंबर है और बाकी सारे अब नबी हैं पैगंबर वो होता है जो अल्लाह के साथ कोई सही फर्म किताब भी लाए कोई नया पैगाम लाए उसको पैगंबर कहा जाता है इनमें से सिर्फ दो पैगंबर ऐसे हैं जिन पर दरूद है एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और एक हमारे पास नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी तो इन पर दरूद क्यों है कि इन दोनों ने कुर्बानी की है एक हजरत इब्राहिम ने बेटी की कुर्बानी की जो कि अल्लाह ने कन्वर्ट कर दी उसमें दुम्बे में और फिर एक हमारे पाक नबी ने इमाम हुसैन का कुर्बानी की जो कि वाकई करबला है तो इन दो की कुर्बानी की वजह से इन पर दरूद भेजाई हालांकि इतने बड़े बड़े आला बड़े बड़े मतबे वाले नबी गुजरे हैं लेकिन उन पर दरूद नहीं है इन पर दरूद की वजह ही कुर्बानी है कि उन्होंने अपनी सबसे पहली चीज अल्लाह की राह में कुर्बान और दूसरी वजह कि इन्होंने बुत तोड़े बाकी किसी नबी ने बुत नहीं तोड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा है और हमारे पाक नबी ने भी वो हजरत अली करम लोगों को बिठाकर अपने कदे पे वहां पे बुतों को खाना गाँव में जो रखे हुए थे उनको तोड़ा
तो ये दो बड़े अहम एक्ट हैं जो किसी नबी ने नहीं किए, कुर्बानी करना और बोध पढ़ना। इस वजह से बदल हो गया। लाइट द रैक एंड सेंट एन एनिमल इन प्लेस ऑफ हजरत इस्माइल, और एक जानवर जिसको कहते रैम आया था, दुम्बा आया था, तकरीबन उनकी जगह पर भेज दिया। एवरी ईयर हर साल मुस्लिम सेक्रीफाइस को, मुसलमान कुर्बानी करते हैं बकरियों की, गौज गाय की एंड कैमल और ऊंटों की आज ईद उल अज़हा पर, टू रिमेंबर याद रखने के लिए या नाश के लिए द ग्रेट सेक्रीफाइस बाय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड हिज सन हजरत इस्माइल। सबसे बड़ी अजीम कुर्बानी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दी। एक्सप्लेन फादर बाप इस बात की वजाहत कर दी कि बेटा कुर्बानी करने की वजूहत क्या है, ईद मनाने की वजूहत क्या है, वो बताएंगे। नौ बात, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, बहुत मैंने कल पहले बह, अब मुझे समझ आई है भाई ये क्यों किया। नाउ आई अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस, अहमियत ऑफ शेयरिंग एंड सेक्रीफाइस, कि हम ये शेयर क्यों करते हैं, वो क्यों बांटते हैं, तकसीम करते हैं और सेक्रीफाइस कुर्बानी क्यों करते हैं, अब बात में समझ में आ रही। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल, हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह, हमें हमेशा अपने रब का परवरदिगार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सैयद सुलेमान ने कहा, ऑन संडे अखबार वाले दिन सलेमान फादर टुक हिम, सलेमान के बाबा ने या उसके अबू ने उसको साथ लिया टू द कैटल मार्केट और उसे मवेशी मवेशियाँ ले गए। दे बॉट अ वाइट कोट फॉर ईद उल अज़हा, तो वो कहते हैं जो उस वक्त रैम आया था, दुब्बा आया था, उसके गर्म के उम्र सफ़ेद होता है, तो फिर उन्होंने कुर्बानी के लिए सफ़ेद रंग का बकरा जो है वो ख़रीदा। बात समझ आएगी, बड़े समझ आएगा रब, कोई किसी ने क्वेश्चन करना हो, सवाल पूछना हो, किसी कोई बात समझ आई हो तो मुझसे पूछ सकता है। सबको समझ आ गया है, इसके चंद मानी मैंने रिकॉर्ड भी लिख दिए हैं। मजीद किसी को कोई मानी समझ ना आए, कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकता है, मैं आपके पास अगले 15-20 मिनट तक बैठा हुआ हूँ। कोई तरफ समझ ना आया हो, कोई मानी समझ ना आया हो, किसी जुमले में कोई हिचकिचाहट महसूस करते हो तो माफ, आप बड़ी आसानी से अभी पूछ सकते हैं। जब मैं अभी यहाँ से बात कर रहा हूँ फिक्र वाह कर, समझ आएगा बेटा।